टूडे वी आर रिवाइजिंग चैप्टर फाइव ऑफ यूर रीजनिंग बुक दैट इज स्पेशन को करेंगे. So, is, सब, सब बर्ड नियर का मतलब होता है पास और नियरेस्ट मीन सबसे पास सो so, बट क्यू इज द आंसर नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट साइड द बस इज बस के आउट साइड कितने स्टूडेंट हैं वन टू थ्री फोर मतलब बस के बाहर फोर नंबर ऑफ पर्सन इन साइड द स्कूल बस इज स्कूल बस के इन साइड अंदर सनस हैं देखिये ये तो है टू स्टूडेंट और ये है ड्राइवर तो कितने पर्सन है थ्री नेक्स्ट देखिए डैश स्टैंडिंग नियरस्ट टू प्रिंसिपल रूम डोर प्रिंसिपल रूम का डोर है ये ठीक है इसके सबसे नियरेस्ट कौन है सबसे पास वो है अशिमा डैश इज स्टैंडिंग फारदेस्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल रूम फार का मतलब होता है दूर और फारदेस्ट मीन सबसे दूर सबसे दूर कौन खड़ा है प्रिंसिपल रूम से नक्श नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री इज डैश ट्री पर कितने एप्पल हैं ऑन मतलब किसी चीज़ पर होना किसी किसी के ऊपर होना चिल्ड्रन इस पर कितने एप्पल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट नेक्स्ट है नंबर ऑफ एप्पल्स अंडर द ट्री ट्री के अंडर ट्री के नीचे कितने एप्पल्स हैं फोर वन टू थ्री फोर ओके ये क्या है चिल्ड्रन रेस लग रही है ठीक है दिस इज द फिनिशिंग लाइन सो डैश इज रनिंग नियरेस्ट टू द फिनिशिंग लाइन फिनिशिंग लाइन के सबसे नियरेस्ट कौन है सबसे पास कौन है सो आंसर इज तेज नेक्स्ट डैश इज रनिंग फार्देस्ट फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन सबसे फार कौन है फार्देस्ट कौन है राहुल नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अब ट्री देखिये ट्री के ऊपर कितने बर्ड्स फ्लाई करे हैं ये था ट्री पर उनका मतलब ट्री पर कितने हैं और और ये है 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 इसके ऊपर ठीक इसमें क्या है? स्पेस है, ट्री और के बीच में तो हमें बताना है कि जो हैं वो ट्री, के, जो ट्री है उसके अबव उसके ऊपर चिल्ड्रन कितने बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं वन टू तो थ्री फोर फाइव फाइव बर्ड्स ठीक है नेक्स्ट देखिए नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लैडर इज लैडर के टॉप पे कौन सा नंबर है सिक्सटी फाइव बॉटम पे कौन सा नंबर है नाइनटीन टॉप का मतलब सबसे ऊपर बॉटम का मतलब सबसे नीचे ओके नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉल्स आउटसाइड द नेट इज आउटसाइड मतलब बाहर इस नेट के आउटसाइड में बाहर कितनी बॉल्स हैं वन एंड टू तो आंसर है टू हाउ मेनी प्लेन्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स इन क्लाउड्स के ऊपर कितने प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं ये रहे क्लाउड्स और इनके ऊपर हैं प्लेन्स और इसके नीचे भी प्लेन्स हैं तो हमसे पूछा गया है अबव सो so, हम ऊपर वाले बर्ड ऊपर वाले जो प्लेन्स हैं वो काउंट करेंगे सो so, वो हैं वन टू थ्री सो आंसर इज थ्री बॉल इज कैप्ट डैश द टेबल बॉल कहाँ पर पड़ी है टेबल के ऊपर पड़ी है जब ऑन आता है ना चिल्ड्रन तो क्या होते हैं दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में टच करेंगे ठीक है तो टेबल का जो बॉल है वो किस पर पड़ी है टेबल पर पड़ी है टेबल पर पड़ी है, पर पड़ी है तो मीन्स ऑन आएगा ओके हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल में कितने चिल्ड्रंस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नेक्स्ट इज द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द दिल्स तो इसमें ऑन आएगा बिलो आएगा अबव आएगा या इन आएगा तो देखिए चिल्ड्रन अगर ये हिल्स पे बैठे होते ठीक है तो हम लगाते ऑन अब देखिए हिल्स और बर्ड्स में क्या है गैप है तो ये किसके ऊपर है ये है अबव तो यहाँ पर यूज होगा अबव नेक्स्ट है चिल्ड्रन डैश इज स्टैंडिंग फ्रॉम द एम ये ए है और फार का मतलब होता है दूर और फार्देस्ट का मतलब होता है सबसे दूर तो सबसे दूर कौन खड़ा है एटीएम से शिव ही डैश इज फ्रॉम द बस बस से फार्देस्ट कौन है आरव सबसे दूर कौन है आरव नेक्स्ट इज डैश फ्लावर आर कैप्ड आउटसाइड द फ्लावर पॉट ये फ्लावर पॉट है और इसके बाहर कितने फ्लावर्स हैं आउटसाइड मतलब बाहर सो so, इसके बाहर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो आर आर फ्लावर्स आउटसाइड द फ्लावर फोर्ट नेक्स्ट इज एप्पल इज डैश द बुक्स देखिए एप्पल कहाँ पड़ा है बुक्स के ऊपर पड़ा है जो बुक्स का सर्फेस है और जो एप्पल्स का एप्पल का सर्फेस है वो क्या है टच कर रहा है तो यहाँ पर आएगा ऑन राइट द नंबर ऑफ पैरेंट सिटिंग ऑन द ट्री ट्री पर कितने पैरेट्स हैं ये बिल्कुल ट्री के ऊपर बैठे हैं बच्चे ठीक है तो हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो देयर आर एट पैरेट्स सिटिंग ऑन द ट्री ओके आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है